तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है ये टाइटल देख के पता चल गया होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है ये जो क्विक का 861DW मॉडल है, ये एक इंडस्ट्रियल SMD है ये भी है। और क्विक का बहुत सारा SMD है इंडस्ट्रियल, पर ये एक फेमस SMD है। और इसके साथ और एक ये ट्रांसफार्मर बेस्ड SMD है, और एक SMPS बेस्ड SMD आता है जो कि 881D। ठीक है, तो 881D और जो 861DW यूज़ करते हो, इन यूज़र को कुछ दिक्कतें सामना करना पड़ता है। क्या दिक्कतें प्रॉब्लम फेस होता है तो मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। ये जो SMD है, ये SMD में ये जितना अच्छा है इतना ये मतलब बुरा नहीं बोलूँगा, पर इसको मतलब इस्तेमाल करना चाहिए प्रॉपर। अगर आप इस्तेमाल करना जानते हो तो ये SMD बहुत अच्छा है। अगर आप सेटिंग्स ठीक ठाक नहीं करते हो तो ये SMD आपको कुछ हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि ये जो SMD है, इसको आप जब भी परचेस करो, इसको कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कैलिब्रेशन क्या है, इसको कैसे करते हैं, ये करने से क्या होता है, ये ना करने से क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम टोटल वीडियो में बात करेंगे डिटेल्स में, फुल्ली डिटेल्स में। तो जो क्विक का 861DW यूज़ करते हो वो ये वीडियो को ध्यान से देखो बिना स्किप करे, और जो ये क्विक का 861DW यूज़ नहीं करते हो वो लोग भी ये वीडियो को देखो, क्योंकि आफ्टर ऑल कभी भी अगर आप ये परचेस करते हो तो आप इसको अपने आप खुद से कैलिब्रेट कर लो पहले एक बार, उसके बाद ये यूज़ करना चालू करो। कैलिब्रेट करने के बाद ये जो इसका जो परफॉर्मेंस है ये 100% फुल्ली परफॉर्मेंस मतलब प्ले करता है। अगर आप इसको कैलिब्रेट ना करते हो, कंपनी से अगर जो सेटिंग्स से आता है उससे आपका नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ज़्यादातर नुकसान हो भी सकता है। कौन सा केस में, लैपटॉप के केस में ज़्यादातर आपको नुकसान आएगा और मोबाइल रिपेयरिंग के केस में। तो थोड़ा सा हम पहले डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसको कैसे कैलिब्रेट करते। तो देखो ये कुछ लोगों ने कहा है कि क्विक का हम यूज़ करते हैं पर प्रॉपरली कंपोनेंट रिमूव नहीं होता है, और होता भी है तो ख़राब हो जाता है। अभी सिंपल सी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप भी मतलब सिंपल से समझने की प्रयास करो। तो एक बोर्ड लाता हूँ, थोड़ा सा होल्ड डाउन। तो देखो एक्चुअली लैपटॉप का जो पीसीबी आता है इसमें बहुत छोटा छोटा कंपोनेंट आता है, छोटा छोटा आईसी आता है, और डेस्कटॉप में भी छोटा मोटा आता है, पर मोबाइल का हमारा चैप्टर नहीं है। पर जो भी मोबाइल रिपेयरिंग करते हो ये वीडियो मिल चुका है, आप देख रहे हो। तो देखो मोबाइल में भी बहुत सारा बॉलिंग आईसी आता है, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है एक क्विक का 861DW। तो देखो अगर हम डेस्कटॉप बोर्ड पर जाएँ तो ये गीगाबाइट का 81 का मदरबोर्ड है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। तो देखो ये PWM आईसी है, तो इसको प्रॉपर अगर 350 में अगर आप यहाँ पर हीट रखते हो 350 में, तो ये आईसी 5 सेकेंड से 7 सेकेंड के अंदर ये जो शोल्डर है स्मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट हो जाता है, और हमारा आईसी जो है रिमूव हो जाता है। अभी क्विक का कुछ फंडा अलग है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पर जितना सेटिंग रहता है उतना हीट हमें प्रॉपरली नहीं मिलता है। तो इसके चक्कर में आपने 350 सेट करके रखा है यहाँ पर, आपको पता है कि 350 आ रहा है, पर आप आईसी को जब रिमूव कर रहे हो, पर आईसी का जो ये पिन से इसमें जो शोल्डर है इसको पता नहीं चल रहा है कि ये 350 से ये डायरेक्टली हीट दे रहा है। तो ये बहुत ही कम देता है, कुछ हद तक कम ये जितना मतलब इसको सेट करके भेजता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। उससे क्या होता है, आप यहाँ पर जो SMD चलाते हो, पर ये जो शोल्डर है ये स्मेल्ट नहीं होता है, पर आईसी का हर आईसी का एक हीटिंग कैपेसिटी होता है, उसके हिसाब से ये हीट ज़्यादा होने के वजह से ये आईसी ख़राब हो जाता है। मतलब इससे भी छोटा छोटा आईसी लैपटॉप में आता है तो ये आईसी ख़राब हो जाता है, तब भी ये नहीं उठता है, रिमूव नहीं होता है। तो इसके चक्कर में बहुत सारा लोगों का जो आईसी के ऊपर नंबर होता है ये मिट जाता है, या फिर आईसी डैमेज हो जाता है। अब कुछ केस में देखो ये जो मॉस्फेट है यहाँ पर, अगर 400 या फिर 500 डिग्री सेल्सियस पे आप ये जो बड़ा वाला मॉस्फेट रिमूव कर रहे हो तो भी ये मॉस्फेट रिमूव नहीं होता है, क्योंकि आपने 500 सेट करके रखा है पर आपका SMD से 400 या फिर 450 निकल रहा है, पर ये आपको पता नहीं है। और ये आपको एग्जैक्ट सेट करना है, इसको ही कैलिब्रेशन बोलते हैं।
और इसको ही आपको कैलिब्रेट करना है। जब भी आप फर्स्ट टाइम परचेस करो इसको कैलिब्रेट कर लो एक बार। कैसे कैलिब्रेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहो एंड तक। तो देखो यही दिक्कत होता है इस SMD में, तो अगर आप सेटिंग कर लो तो बहुत अच्छा है। मान लो थोड़ा सा अगर एग्जांपल मैं दूँ, आप अगर बाज़ार जाते हो तो आप 10 पीस मैंगो परचेस करते हो, तो दुकानदार ने आपको क्या है 8 पीस मैंगो दे के पैक कर दिया। अब घर जाके आपने देखा ये तो भाई 8 पीस मैंगो है, मैंने तो 10 पीस बोला था। तो फिर से आप रिटर्न आया दुकानदार के पास, तो आपने बोला भाई साहब क्या किया आपने, मैंने तो 10 पीस मांगा था आपने 8 पीस मैंगो दिया। तो दुकानदार क्या कहा, सॉरी भैया गलती से हो गया, ये लीजिए 2 मैंगो ले लीजिए। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है, आपने 400 सेट करके रखा है पर ये देगा 350 या फिर 370, 400 पोपन नहीं देता है, जिसके वजह से IC तो रिमूव नहीं होता है और IC ख़राब भी हो जाता है इसके चक्कर में। तो इसका कैपेसिटी है 400 या फिर 500 डिग्री देने का, पर इसका जो सेटिंग्स है, इसका जो कैलिब्रेशन है, इसको आपको सेट करके रखना पड़ेगा। तो कैसे इसका कैलिब्रेशन सेट करते हैं, सबसे पहले आपको इसका कैलिब्रेशन सेट करने के लिए आपको एक सेल्सियस फारेनहाइट या फिर सेल्सियस का मल्टीमीटर चाहिए। कोई भी मल्टीमीटर से आप ये कैलिब्रेट नहीं कर सकते हो, और बिना मल्टीमीटर के चेक किए आप कैलिब्रेट मत किया करो क्योंकि इससे सेटिंग उल्टा हो जाएगा। तो ऐसी टाइप के कोई भी एक मल्टीमीटर हो सकता है। ये यूनिट का UT39C+ है, ये C+ है। तो इसमें देखो यहाँ पर एक फीचर्स है जो फारेनहाइट और सेल्सियस पे, ये मतलब फीचर्स इसमें है। तो इस मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो। हालांकि आप मेरे पास फ्लूक का भी है 101, इसमें ये फीचर नहीं है, ये नहीं होता है, तो इस मीटर से हो जाएगा। और भी मीटर है मेरा पास UT33D+, तो इससे भी नहीं होगा, तो इससे हो जाएगा UT39C+, तो इससे हमारा कैलिब्रेशन हो जाएगा। तो देखो कैलिब्रेशन करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो पहले मैं यहाँ पर टेम्परेचर पे सेट कर दिया मल्टीमीटर को, और यहाँ पर एक अलग से प्रॉब आता है जिसको आपको परचेस करना है, या फिर आप ऐसे मल्टीमीटर परचेस करोगे तो इसके साथ ही आ जाता है। तो देखो ये लाइट जला देता हूँ, थोड़ा सा लाइट जलाने के बाद ये हो गया, जो प्रॉब मैंने अभी वहाँ पर डाल के रखा है उसका एंड है ये है इसका एंड। तो इसमें हमें हीट देना है, उससे एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमारा SMD जो हीट प्रोवाइड कर रहा है वो एग्जैक्ट हीट प्रोवाइड कर रहा है या फिर कम या ज़्यादा कर रहा है। तो देखो अभी मैं कहाँ पर दिखाऊँ, 500 सेट था, तो मैं देखो अभी मैं जो है 350 ये देख सकते हो, सॉरी जूम हो गया, ये देखो ये मेरा SMD 350 पे सेट है। ठीक है, अभी मैं इसको हैंडल को निकालता हूँ, और कैसे मैं दिखाऊँ इसको, एक सेकेंड, इसको दिखाने के लिए मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो देखो 350 मेरा सेट है, थोड़ा सा नीचे करता हूँ और मल्टीमीटर को आप थोड़ा सा फॉलो कर लो, ये लाइट आ गया। तो अभी मैं देखो इस पर हीट डालूँगा, यहाँ पर बस आपको हीट डालना है, सॉरी दिख नहीं रहा है ऐसे, तो देखो ये 350 पे सेट है मेरा SMD, और ये जा कहाँ रहा है देखते हैं। मतलब एक बार थोड़ा सा ये मतलब हिल रहा है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो देखो मल्टीमीटर दिख रहे हो, मतलब 300 तक भी नहीं जा रहा है ये, ठीक है 300 गया है, तो अभी जाता है और कम हो जाता है थोड़ा सा, देखो 300 गया, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर और भी आसान हो जाएगा। एक सेकेंड पॉप पर दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर मल्टीमीटर ऐसे रखा हुआ है कि सेट नहीं हो रहा है। एक सेकेंड मैं इसको पॉप पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक ही बार देखोगे ध्यान से देखो तो समझ जाओगे। एक सेकेंड दिख नहीं रहा है, ये अभी दिख रहा है ना पॉप पर, अभी देखो अभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हीटिंग है। मल्टीमीटर को थोड़ा सा मैं लाइट दे देता हूँ, अभी देखो ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है तो कितना जा रहा है, 370 332, मैक्सिमम
308 जा रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा ये जा नहीं रहा है। तो अब इसको आप अगर कैलिब्रेट कर लेंगे तो ये 350 पोपर, आपको यहाँ पर जो 350 दिख रहा है ये पोपर, ये देखो 350, ये 350 पोपर आएगा। तो कैसे आपको कैलिब्रेट करना है इसको, तो देखो इसको कैलिब्रेट करने के लिए चैनल वन और चैनल थ्री को आपको एक बार एक साथ प्रेस करना है, ठीक है, ये चैनल वन और चैनल थ्री को एक साथ प्रेस करना है। कैलिब्रेट, कैलिब्रेट मोड आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लार हो रहा है। तो ये कैलिब्रेट आने के बाद यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 308। तो मुझे अभी सेट करना है यहाँ पर, ये मल्टीमीटर पे आपको जितना रीडिंग आएगा, मल्टीमीटर पे आपको जितना रीडिंग आएगा वही बस यहाँ पर सेट करना है। और क्या सेट करना है, फर्स्ट डिजिट ये यहाँ पर है और ये ऊपर वाला प्रेस करोगे, अपर वाला ईयर का जो अपर प्रेस करोगे तो डिजिट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मुझे जीरो करना है और यहाँ से आपको जीरो करना है, ये जीरो कर दिया। और एक बार इधर प्रेस करना है, सेकंड ऑप्शन पे आएगा, उसके बाद एट करना है, ठीक है, बस। अब बीच में जो सेंटर का चैनल टू है ये प्रेस कर देना, ये सेट हो गया। अभी देखो 350, अभी दिखाता हूँ, इसको होल्ड मैं क्लोज करता हूँ। अभी देखो ये पोपर 350 आएगा, ये देखो, अभी मैं इसको फिर से दोबारा हिट दूंगा, अभी देखो 350 ये दिख रहा है ना, अभी देखो 350 पे ये चला जाएगा, ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो 350 आ जाएगा, होल्ड करो थोड़ा सा, ये देखो 370, ये परफेक्ट आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे था इसलिए, ये देखो ये परफेक्ट आ चुका है। एक सेकेंड, लाइट दिखाना पड़ रहा है। तो अभी देखो ये जो है हमारा 350 से थोड़ा सा अप है, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मेरा हाथ हिल रहा है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखो ये 350 पे आ गया, मैं 350 पे होल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा है, ये देखो 356, मतलब आगे पीछे थोड़ा सा होता है पर एग्जैक्ट, पहले जो हमें बहुत कम मिल रहा था ये बहुत कम नहीं प्रोवाइड करेगा, ये अभी 350 जो है यहाँ पर ये 356 पे आएगा। तो मेरा हाथ हिल रहा है इसलिए मैं पोपर दिखा नहीं पा रहा हूँ, मेरा वीडियो जो है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बस समझो, आप कर लो आपका काम बन जाएगा। अभी इसे मैं रखता हूँ तो और एक सेटिंग पे जाके हम और एक बार देखेंगे, तो इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद और एक सेटिंग में दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी एक लोअर सेटिंग पे दिखाता हूँ, आप बस समझो कैसे करना है, क्योंकि एग्जैक्ट मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा सामने यहाँ पर कैमरा है और हाथ हिल रहा है थोड़ा सा, पर जो मतलब एक्चुअल वे है, एग्जैक्ट वे है वही मैं बता रहा हूँ। ऐसे अगर आप करोगे तो आपका SMD प्रॉपर वर्क करेगा, काम करके आपको मतलब शांति मिलेगा। अभी देखो चैनल वन पे मेरा कितना सेट था, 200 डिग्री सेट था, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऑटो फोकस ले नहीं रहा है, तो 200 पे है अभी, ये कैसे दिखाऊं भाई, ये देखो 200 पे है, तो 200 पे है मेरा चैनल वन। अभी इसको मैं उठाता हूँ और अभी दिखाता हूँ, देखो अभी ऐसे हिट करता हूँ ताकि आराम से दिखे, ये देखो अभी मल्टीमीटर को आप फॉलो करते रहो, ठीक है, मल्टीमीटर को आप फॉलो करते रहो, आपको इजीली पता चल जाएगा। 200 पे मेरा था, देखो 132, 127, 150, अभी ज्यादा हुआ है थोड़ा सा, तो देखते कम भी हो रहा है, कितना पकड़ के चले, इसको होल्ड करना पड़ेगा, वन सेवेंटी एट ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। 200 जो मेरा सेट है ये 200 आ नहीं रहा है। अब इसको कैलिब्रेट कैसे करेंगे, आपको बस सिंपली करना है, और ये करने के लिए आपको मल्टीमीटर चाहिए जो कि मतलब टेम्परेचर जो मल्टीमीटर में फीचर्स होना चाहिए, कोई भी मल्टीमीटर से आप ये कर नहीं पाओगे। तो चैनल वन और चैनल टू हमें प्रेस करके रखना है, ठीक है, ये रख दिया। अब कैलिब्रेट मोड आ गया है, अभी टू दिखा रहा है, यहाँ पर मुझे वन करना है, तो
ये नीचे कर दूंगा, ये देखो वन हो गया, यहाँ पर अभी वन हो चुका है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, वन हो गया है और 70, तो यहाँ पर अगर मैं प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट डिजिट पे चला जाएगा। उसके बाद मुझे 7 करना है यहाँ पर, 7, और यहाँ पर 0 था 170, तो 0 रहेगा। अभी बीच में सेंटर में जो चैनल 2 है, इसमें इसको प्रेस करने से ये सेट हो जाता है, ठीक है। हाँ सेट हो गया, सेट हुआ है, हाँ सेट हो गया। तो हुआ है कि नहीं मुझे भी पता नहीं चला, एक सेकेंड मैं एक बार फिर से दोबारा कैलिब्रेट कर लेता हूँ इसको। दोनों प्रेस करेंगे, चैनल 1 चैनल 3, और यहाँ पर जो रीडिंग आपको आया है वो रीडिंग आपको यहाँ पर सेट करना है। यहाँ पर मुझे 1 करना है और 70 करना है। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, नेक्स्ट डिजिट पे जाने के लिए ये अप में डाउन प्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं 7 प्रेस करूँगा और यहाँ पर 0 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अभी बीच में ही सेट हो जाता है ये, अच्छा सेंटर में ही सेट होगा, फिर से एक बार देख लो, एक बार पहले ही सेट हो गया इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो 1 और नेक्स्ट पे जाएंगे इस पे, और ये 7 करेंगे, 7, और ये 0 रहेगा, सेंटर में प्रेस करेंगे, हाँ हो गया, सेट हो गया। अभी देखो थोड़ा सा हीट ज़्यादा हो गया, अभी दिखाता हूँ, ये देखो 200 पे ही आएगा, अभी 200 पे देखो ये पोपार काम करेगा, 200 हीट इसका आ जाएगा, ये देखो मल्टीमीटर फॉलो करो, ये देखो 200 ये आ चुका है, ये देखो 200 से थोड़ा ज़्यादा है, 200 मतलब मेरा हाथ हिल रहा है इसलिए हो रहा है, 218 206 7 215 227 ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट अगर आप ऐसे करेंगे तो ये SMD पोपा सेट हो जाएगा। ऐसा करने के बाद अगर आप प्रॉपरली काम करो, आप पहले ट्राई करो इसका बोर्ड पे, देखो कि आपका SMD सही हुआ कि नहीं, उसके बाद काम करो। आई होप कि ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगेगा, और कैसे सेट करना है वो मैंने दिखा दिया। ऐसे बस सेट करना है चैनल 1 और चैनल 3 प्रेस करना है, उसके बाद कैलिब्रेशन मोड आएगा और ये हीटिंग आपको मल्टीमीटर पे जितना शो करेगा बस उतना ही यहाँ पर आपको सेट करना है। कैसे सेट करना है मैंने पहले ही बताया, यहाँ से डिजिट चेंज होता है, एक पे रहेगा तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो बीच में आ जाएगा, और एक बार करोगे तो लास्ट में आ जाएगा, और नीचे वाला करोगे तो पीछे जाएगा, और यहाँ पर से भी डिजिट मतलब लो मतलब कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद सेट करने के बाद आप काम करो, आपका SMD प्रॉपर वर्क करेगा, आपको काम करके मतलब बहुत ही शांति मिलेगा। तो ये एक छोटा सा मतलब रिक्वेस्ट वीडियो था, तो मैंने बस प्रोवाइड कर दिया, तो पता नहीं कितना समझा पाया हूँ। फिर भी अगर किसी को थोड़ा सा भी कुछ मतलब इस पर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे टेलीग्राम करना, मैं और भी डिटेल्स में बता दूंगा। और तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।